गुरुंकु नमणिब नर गुरु ही साक्षात ईश्वर एक कथा प्राय समस्त मुखर शुणा को मिलता है। यार साधारण अर्थ है गुरुंकु साधारण मनीष न भावी गुरुंकु देवता समान भाविबा उचित काहेकिना गुरु हेउचंती ईश्वर बा साक्षात देवता किंतु ए आधुनिक जुगर दुनिया रे गुरुंकु केवल मनीष मात्र भावुचंती एवं सेथिपाई एही आधुनिक जुगर पिला मानंक मध्यरे गुरु भक्ति आउ देखिबा को प्राय मिलु नाही। प्राचीन काल रे एही आम भारत वर्ष रे गुरुकुल आश्रम मान थिला एवं सेहिति पढुतबा शिष्य माने निष्ठार सह गुरुंकु शिक्षा शेष गुरु दक्षिणा आसतु जाणिनेबा सेमिति गुरुकुल आश्रम रही पाठ पढ़ुवा उपमन्युक गुरु भक्ति विषय महाभारत काल आयोदधम्य नाम जने ऋषि थे से जंगल मध्य आश्रम या शिष्य मान शिक्षा देते ऋषि जमीती थे कोठर सेमती थे उदार मध्य आग काल शिक्षा केवल शास्त्र शिक्षा नाला धंदामूलक शिक्षा सह कार्य पड़ा गुरु आयोदधम्य ऋषि आश्रम रही पाठ पढ़ुते उपमन्यु ऋषि आदेश अनुसार उपमन्यु प्रतिदिन गाई चढ़ावा नौले जंगल को एवं सन्धार आश्रम को फेरी आसुले प्राय नीतिदिनिया कार्य हो जाता ऋषि अनुमान कले उपमन्यु आग अपेक्षा अधिक हृष्ट पुष्ट देखा जाउछंती ऋषि यार कारण जानवाक चाहिए उपमन्यु कहले मु जंगल रे गाई मान छाड़ पाख गाँव भिक्षा मागि ताहा खाई दिए ऋषि यह शुणी कहले अधर्म अटे तुम्हें भिक्षा मागि प्रथम गुरु को देव एवं गुरु जहाँ देवे से तुम्हें खाइब एथर तुम्हें भिक्षा मागि प्रथम आनी गुरु को देव तापर गुरु जहाँ देवे तुम्हें खुशी ग्रहण कर उपमन्यु हाँ कहले एमती किसी दिन बीतीगला गुरु पुणी अनुमान कले उपमन्यु पुणी हृष्टपुष्ट देखा जाउछंती यार कारण पुणी जानवाक चाहिए तो एथर उपम कहले मु जंगल रे गोरु गाई मान को छाड़ भिक्षावृत्ति करी ताहा आनी आपन को दे दिए एवं पुणी जाई पुणी आउ थरे भिक्षावृत्ति करे एवं ताकू खाई दिए थोर गुरु कहले एमिती करबा तो अदापि ठीक कथा नहो तुमे द्वितीय थोर भिक्षावृत्ति करबा जगु अन्य भिक्षु मान को भिक्षा मध्ये मिल नथिबो एवं ग्रामवासी को उपरे तुमे बोझ मध्ये हो जाउचो सेति पई तुमे आउ द्वितीय थोर भिक्षावृत्ति करबो नाही उपमन्यु एथिरे हां कहले पुणी एमिती किछि दिन बितिगला परे गुरु देखिले उपमन्यु पुणी आगो भली हृष्टपुष्ट देखा जाउचंती एवं एहार कारण पुणी से जानिबा को चाहिले एथोर उपमन्यु कहले मु जंगल रे गाई मान को चढ़ावा को निए एवं गाई मान ठारु क्षीर दही ताकु पी दिए एथर गुरु कहले ए हेउची बड़ अधर्म काम गाई मान ठारु क्षीर बाहर करी ताहा पी दौच तुम्हें बिना आदेश अनुसार सेतिपाई तुम एमिती काम केबे भी करबा कथा नुह एथर तुम आउ क्षीर दही क्षीर पीबो नाही उपमन्यु एथिरे हां कहले एवं देखा गला उपमन्यु को खाइबा पीबा रास्ता सब बंद हो गला जते बेले उपमन्यु को अधिक क्षुधा बा भोक हेउतला ते किछि न पाई गछर पत्र मध्य खाइ दउथिले एवं एमिती एक दिन से युधारे अरख पत्र खाइदेले एवं अरख पत्र खाइदबा जगु अरख पत्र विष जगु तांको आखि अंध हो गला एवं से एक कुओरे पड़गले संध्यारे सब गाई आश्रम को फेरी आसिले किंतु उपमन्यु को फेरिबार न देखि गुरु तांको खोजिबा को लागिले एवं जंगल रे जाई उपमन्यु उपमन्यु डाक छाड़िले या शुणी उपमन्यु कहिले गुरु मु एठी अछि गुरु कुओ पाख को जाई देखिले उपमन्यु कुओ भितरे पड़ी जाइछंती एवं एहा देखि से उपमन्यु को ऋग वेदर मंत्र उच्चारण करबा को कहिले गुरु को आदेश अनुसार उपमन्यु ऋग वेद मंत्र उच्चारण कले एवं ए मंत्र रे संतुष्ट होई देवता अश्विनी कुमार आसी तांको पाखरे पहुंची गले एवं कहिले एई औषधनीय एवं एहाकु खाई तुम्हें अंधरु मुक्ति पाओ किंतु उपमन्यु मना करि देले उपमन्यु कहिले मु गुरु को बिना अनुमति रे किछि खाई पारिबि नाही अश्विनी कुमार कहिले ए हेउची औषध एवं औषध गुरु को बिना अनुमति रे खाइले मध्य चलिबो किंतु उपमन्यु तांको जिद रे अटल रहिले कहिले से औषध हेउ कि जहाँ भी हेउ गुरु को बिना अनुमति रे खाई पारिबि नाही एपरि गुरु भक्ति देखि अश्विनी कुमार बहुत खुशी हे गले एवं तांको बर देले तुमे बिना पाठ बा बिना लेखा पढारे तुमे बहुत बड ऋषि मुनि हेइ पारिबो एवं तुमे अंधत्वरु मुक्ति मध्य हेले कहि कि तांको बर देइ सेथुरु चली गले तापरे उपमन्यु कुओ भितरु बाहर को आसी गुरु को सब कथा गोटी गोटी की कहले गुरु यह शुणी बहुत खुशी गले कहले धन्य तुम्हें उपमन्यु धन्य तुम गुरु भक्ति।